सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूं मैं न्यू लेटेस्ट जॉब अपडेट लेके गाइस, और ये अपडेट काफी शानदार और काफी जबरदस्त रहने वाली है गाइस। आज इस कंपनी की डिटेल आप यहां शेयर करने वाला हूं। बेसिकली ये टॉप एमएनसी कंपनी में से एक है, और इस कंपनी का बेसिकली आपने नाम भी सुना होगा। बेसिकली इस कंपनी का नाम है अमेजोन प्राइवेट लिमिटेड। गाइस अमेजोन की बात करें, टोटली एक मल्टीनेशनल कंपनी पे रन करती है, और इसमें जो है वॉइस प्रोसेस, चैट प्रोसेस के रिगार्डिंग हायरिंग चलती रहती है। गाइस इसमें जो हायरिंग चल रही है करंटली, ये काफी शानदार होने वाली है, और करंटली आपका जो इंट्रैक्शन होने वाला कोई भी कस्टमर से नहीं होने वाला, डायरेक्टली एक बैकएंड प्रोफाइल की जॉब के रिगार्डिंग ये उसी की तरफ रहने वाली है गाइस। सो गाइस एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, आपके सारे राउंड्स यहाँ पे इंटरव्यू घर बैठे वर्चुअली होने वाले, तो कहीं भी आपको जो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक खास बात की बात करें कि इसमें टोटली आपका जो प्रोसेस होने वाला है ये वर्क फ्रॉम होम आपका रहने वाला है। तो गाइस ये काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही कैंडिडेट आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस अगर आप फ्रेशर हैं, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन कोई भी, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी आपने किया, तो आप एलिजिबल होने वाले, कोई इशू नहीं है गाइस। और गाइस मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली, अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मल्टीपल आपको यहाँ पे बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हेल्थ अलाउंस हो गया, मील्स अलाउंस हो गया, तो ये सारे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, तो ये सारे मल्टीपल जो बेनिफिट है ये आपको मिलने वाले हैं गाइस। गाइस मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका कोई भी आपको जो है फॉर्म फिल करने कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस बेसिक एक फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। मैं टोटली इसमें कवर करने वाला हूँ कैसे आपको जो फॉर्म फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला, और क्या इसमें जॉब क्राइटेरिया, अभी हायरिंग चल रही है। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको जो है क्राइटेरिया यहाँ पे समझ में आने वाला है गाइस। सो गाइस करंटली अमेजोन जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, मैं आपको जो पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ गाइस। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। तो जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, आपको डायरेक्टली शो होने वाला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप आई एम नॉट रोबोट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे आपको जो है एक नेस का ऑप्शन यहाँ पे शो होने वाला है। उसके बाद आप जैसे ही नेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो है एक नया पेज शो होने वाला है। बेसिकली उसमें आपको जो है बेसिक डिटेल अपनी वहाँ पे फ्रेश कर देनी है। बेसिकली अभी जो ये प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, इसकी जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो है एमएल डाटा एसोसिएट्स। एमएल डाटा का होता है कि मशीन लर्निंग एसोसिएट। गाइस जो भी इनके मशीन, सबसे पहले तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी एक ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। बेसिकली जो ऑनलाइन जो भी इनके जो भी डाटा रहते हैं, अगर वो कोई मिस हो गए हैं तो वही हमें फ्रेच करके वही डाटा हमें ऑनलाइन इनके अपडेट करने होते हैं। डाटा अपडेट करने का बेसिकली बैकएंड प्रोफाइल का ये हमें जो है ये वर्क होने वाला है गाइस। अगर आपकी ट्रेनिंग होगी, इसकी प्रॉपर होगी, उस ट्रेनिंग में आपकी पेड होने वाली है, तो ट्रेनिंग में सारा आपको प्रोसेस बताया जाएगा। उसके बाद आपका एक सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे होने वाला है, जब आपका यहाँ पे जो है ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मोस्टली 2 हफ्ते की होने वाली, 14 से 15 दिनों की। उसमें आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको जो डाटा वहाँ पे मेंटेन करना है और कैसे आपको डाटा दिया जाएगा। गाइस जो भी इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन अपडेट्स हैं, उसमें आपको बेसिकली डाटा वहाँ पे फ्रेश करना है। बेसिकली यही आपको जो है वर्क रहने वाला, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। बस आपको जो है एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड भी एक हनीमून पीरियड भी होता है, और यही हमको सीखने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौका मिलता है। तो गाइस ये आपको अपॉर्चुनिटी मिस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गाइस जैसे आप जो है व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, तो पूरी डिटेल आपको जो है वहां पे शो होने वाली है। और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि एमएल डाटा एसोसिएट्स, इसमें ऑलरेडी मेंशन है एमएल डाटा एसोसिएट्स एलेक्सा डाटा सर्विसेज। बेसिकली जो एलेक्सा होता है, उसका जो भी कोई भी हम बोलते हैं कि एलेक्सा इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दो, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में देते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एलेक्सा उसका आंसर नहीं दे पाती है, और वही हमें फ्रेश करना है कि यार ये डाटा हमें कैसे मिलेगा, और वही हमें जो है इनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करना, जिससे कि अगर कोई अनदर पर्सन इसी क्वेश्चन को दोहराए तो हम इजीली जो है उसका रिप्लाई कर दे। तो ये डाटा मेंटेन करना है हमें ऑनलाइन, तो यही आपको जो है बेसिकली यहाँ पर प्रोफाइल लेने वाला है। काफी शानदार प्रोफाइल है गाइस, अगर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो काफी चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगी और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे हो जाएगा गाइस। सो गाइस ये काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। और गाइस बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट। बेसिकली अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, कोई इशू नहीं है गाइस। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए गाइस। सबसे पहले अगर आपका जो या फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद एक असेसमेंट टेस्ट का आपका लिंक आने वाला है, आपके अपडेटेड ईमेल आईडी या फोन नंबर पे आपको डायरेक्टली कॉल आने वाला है एचआर का। दो तरीके से आपको जो है रिवॉर्ड आ सकते हैं, या तो असेसमेंट टेस्ट का, या पहले आपको जो है फर्स्ट राउंड आपका जो है एचआर ले सकती है।
गाइस अगर आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पर क्लियर हो गया, उसके बाद आपका जो सेकंड राउंड होगा इसमें टाइपिंग स्पीड की भी नीड है। टाइपिंग स्पीड एट 50 वर्ड पर मिनट एवव, मतलब 50 वर्ड पर मिनट आपकी जो है यहाँ पे टाइपिंग स्पीड रहने वाले है। गाइस ऐसा नहीं है कि 50 वर्ड पर मिनट ही चाहिए, अगर आपका उससे कम भी है तब भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये काफ़ी जो है टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका 35 से लेकर 45 के बीच में भी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कोई नहीं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। गाइस पहले आप लीजिए, क्राइटेरिया चेक कीजिए, पहले आप फॉर्म फिल कीजिए, हो या ना हो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। उसके बाद आपको जो क्लोज पे यहाँ पे क्लिक कर देना, सारा प्रॉपर आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल यहाँ पे फ्रेश कर देनी है। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अपना सबसे पहले तो अपना फुल नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद अपना लास्ट नेम आप मेंशन कर सकते हैं, और इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, तो यहाँ पे आप जो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है फुल नेम आपने मेंशन कर दिया, आप अपने अपडेटेड मेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, ऑल्टरनेट को मोबाइल नंबर मेंशन करना चाहते हो तो डाल सकते हैं, बाकी सेम भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ आप जो है मेंशन कर सकते हैं, जो के अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो उसके बाद आपको जो है एक अपडेटेड रिज्यूमा मेंशन करना, अपडेटेड एक शानदार आपको रिज्यूमा क्रिएट करके फिर अपडेट करना, जिससे कि एचआर का अट्रैक्ट डायरेक्टली आपके रिज्यूम पड़े और डायरेक्टली आपको जो है कॉन्टैक्ट कर ले। उसके बाद आपको जो एक लाइव फोटो यहाँ पर मेंशन करनी है, यूज कैमरा पर जाके आप जो है बेसिक अपने एक जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो तो वहाँ पे अपनी जो है फेस आपका विजिबल होना चाहिए, तो वहाँ पे अपडेट आप फोटो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके फिर यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। गाइस जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वेट करना है, मैक्सिमम टाइम 48 घंटे का होता है, 24 से 48 घंटे का होता है। आपकी ईमेल आईडी पे या तो असेसमेंट टेस्ट का लिंक आएगा या आपके अपडेटेड मोबाइल नंबर पे एक कॉल के थ्रू एचआर का फर्स्ट राउंड आपका जो है कॉन्टैक्ट होने वाला है। गाइस तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटली अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, तो प्रॉपर आप चेक करके क्राइटेरिया फिर आप जो है इस फॉर्म को प्रॉपर फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर आप फॉर्म फिल करते हैं डेफिनेटली एचआर के पास एचआर आपका रिवर्ट करेगी डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि 24 से 48 घंटे का मिनिमम टाइम रहता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। गाइस तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटली अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे कॉन्टैक्ट करके सजेशन दे सकते हैं, मैं आपकी जो पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। गाइस तो आई होप कि गाइस वीडियो को पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।